दोस्तों, आज हम सर्किट ब्रेकर का चुनाव करना सीखेंगे कि हम सर्किट ब्रेकर को कैसे यूज में ले, यानी हमारा जो लोड है उसके हिसाब से हम कितने की एमसीबी लगाए, कितने की एयर सर्किट ब्रेकर लगाए या कितने की एमसीसीबी लगाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को आपको पता है कि मेरे पास किलोवाट है, तो मैं सबसे पहले किलोवाट को केवीए में कन्वर्ट कर दूंगा। केवीए में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है किलोवाट को, तो केवीए निकालना है मुझे किलोवाट से। ठीक है, तो किलोवाट में मुझे क्या करना है, मैंने आपको पहले वीडियो बनाए थे कि किलोवाट में मैं मेरा पावर फैक्टर का भाग लगा दूंगा बस। ठीक है, मेरे पास पावर फैक्टर है ही, पावर फैक्टर का भाग लगा दूंगा किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर का। ठीक है, पावर फैक्टर का भाग लगा दूंगा तो मेरा जो भी आएगा आंसर वो केवी आ जाएगा। तो मेरे पास किलोवाट कितने हैं, 40 किलोवाट है, पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है। मैं इसके अंदर भाग लगा दूंगा, मेरा केवी आ जाएगा 50 केवी है। केवी निकालना बहुत ही सिंपल होता है किलोवाट से। ठीक है, केवी आ गया। अब मुझे सिंपल सा एक करंट निकालना है। करंट निकालना भी आपको मैंने वीडियो बना रखे हैं इन सब के ऊपर पहले। अब करंट निकालने के लिए क्या करना है, करंट निकालने के लिए आपको पता है आई का फॉर्मूला सिंपल होता है। मैंने आपको बताया था कि लोड ऊपर लिखना है, बाकी हमारे पास जितनी भी चीज़ है वो सब नीचे आ जाएगी, वो हमारा करंट निकल जाएगा। तो लोड मैंने ऊपर, जैसे मेरे पास 50 केवी है, ठीक है, 50 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, केवीए को वीए में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि किलो की वैल्यू के, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 × 1000। और नीचे मैंने आपको क्या बताया, करंट निकालने के लिए क्या करना, लोड डिवाइड बाय वोल्टेज। लोड जितना है हमारे पास उसमें हम भाग लगेंगे कि कितना वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं। अब वोल्टेज हम दे रहे हैं 415 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट थ्री फेज है, थ्री फेज वोल्टेज होने के कारण हम यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंगल फेज के सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन करूँगा, सर्किट ब्रेकर सिंगल फेज का करंट निकालूंगा, यानी अगर मैं सिंगल फेज का ही पूरा मान के चलूँ इस सिस्टम को, यहाँ पे 220 वोल्टेज मान के चलूँ, है ना, तो मैं क्या करूँगा, सर्किट ब्रेकर भी सिंगल फेज का ढूंढूंगा। तो सर्किट ब्रेकर भी सिंगल फेज का ढूंढने के लिए करंट भी सिंगल फेज का निकालूंगा। तो करंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं √3 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बाकी सब चीज़ें सेम ही होगी, बस थ्री फेज के अंदर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 415 के अंदर मैं √3 की वैल्यू जो होती है हमारी 415 × 1.732, ठीक है, √3 की वैल्यू ये होती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आएगा हमारा 718, और ये 50 × 1000 तो हमारा हो जाएगा 50,000। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 69 एम्पियर, मतलब 70 एम्पियर के आसपास। ठीक है, 70 एम्पियर आ गया। तो मैंने करंट निकाल लिया कि मेरा जो 40 किलोवाट है उस 40 किलोवाट का करंट कितना आएगा, 70 एम्पियर कंजप्शन करेगा। ठीक है, सिंगल फेज का मैंने आपको बताया, सिंगल फेज के लिए आपको ओनली यहाँ पे √3 की जगह ओनली यहाँ पे वोल्टेज के उसे डिवाइड लगाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे सर्किट ब्रेकर का हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर सेलेक्शन, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करना हमको। तो सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करने के लिए जो होता है वो होता है करंट निकाल लिया हमने, करंट मल्टीप्लाई बाय 25% फॉर सेफ्टी फैक्टर, मतलब जो करंट है उस करंट के अंदर 25% करंट का निकालना है। और क्यों निकालना है, क्योंकि सेफ्टी के रीजन से। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में सेफ्टी के रीजन से उसमें 25% एक्स्ट्रा रखता है। तो 25% के लिए 70 एम्पियर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 एम्पियर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25, ठीक है, मतलब 25% का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 88 एम्पियर। ठीक है, तो हमको जो सर्किट ब्रेकर निकालना है वो 88 एम्पियर का निकालना है। पर हम यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, सर्किट ब्रेकर सेलेक्टेड विल बी, यानी हम सर्किट ब्रेकर जो सेलेक्ट करेंगे 100 एम्पियर का सेलेक्ट करेंगे। तो हम 100 एम्पियर का क्यों सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों सिंपल सी बात है। देखो, अभी हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर के लिए जो करंट की वैल्यू है कि हमको 88 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर चाहिए। ठीक है, जो 88 एम्पियर के रेटेड करंट का सर्किट ब्रेकर चाहिए, पर दोस्तों 88 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, कि 88 एम्पियर ब्रेकर आर नॉट अवेलेबल, सो वी सेलेक्ट 100 एम्पियर CB। ठीक है, सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसी तरह हम किसी भी MCB, MCCB या ACB किसी भी प्रकार का सर्किट ब्रेकर का चयन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में आप देखना पसंद करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।